बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, 9 पावर x माइनस 9 प्लस 9 पावर x माइनस 11 इज़ इक्वल टू 82। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हल देंगे 9 पावर x माइनस 9 प्लस 9 पावर x माइनस 11 को लिख देंगे -9 -2 इज़ इक्वल टू 82। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 9 पावर x माइनस 9 प्लस 9 पावर x माइनस 9 मल्टीप्लाई 9 पावर माइनस 2 इज़ इक्वल टू 82। फिर क्या करेंगे, 9 पावर x माइनस 9 9 पावर x माइनस 9, ये सेम इनको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 1 प्लस 9 पावर माइनस 2 इज़ इक्वल टू 82। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 9 पावर x माइनस 9 1 प्लस, इनको नीचे ले जाएंगे तो इनका पावर प्लस हो जाएगा इज़ इक्वल टू 82। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 9 पावर x माइनस 9 1 प्लस 1, ऊपर इनको लिख देंगे 81 इज़ इक्वल टू 82। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 9 पावर x माइनस 9, और इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 81, यहाँ जाएगा 81 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 82। फिर क्या करेंगे, यहाँ जाएगा 9 पावर x माइनस 9, इनसे आता है 82, नीचे 81। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ 81 और 82 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी लिख देंगे किसको 81 और 82, इस तरह मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो, इस तरह भी, ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 पावर x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 81। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 9 पावर x माइनस 9 इज़ इक्वल टू, इनको लिख देंगे 9 पावर 2। फिर क्या करेंगे, हम एक रूल का बताए, f(m) = (a)(n) वो बराबर होता है m = n के, तो इन दोनों को विस्तारा करेंगे, यहाँ आ जाएगा x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 2। फिर क्या करेंगे, -9 के साइड पर लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 9, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 11। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।